ये हमारे पास एक वॉश बेसिन है। सर्कुलर ऐसे सर्कुलर शेप का, ठीक है भाई। ये वॉश बेसिन है सर्कुलर शेप का, कर्तव्य बुकलेट का ही क्वेश्चन है। अब आप एक चीज देखो, कैसा वॉश बेसिन है? फिक्स्ड, अपनी जगह पे फिक्स्ड है। आपने कभी अगर ध्यान से देखा हो तो यहां पर अगर एक एंट, एंट समझते हो चींटा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है, ठीक है। ये चींटा क्या करता है, वॉश बेसिन के अलोंग चढ़ता है, ऐसे इस पे चढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ दूर ऊपर चढ़ने के बाद फिर स्लिप करके नीचे आ जाता है, हाँ या ना? ऐसा ही होता है, ठीक है। मैंने कहा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चींटा एंड वॉश बेसिन इज म्यू। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन चींटे और वॉश बेसिन के बीच में म्यू है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं, जब ये ऐसे चढ़ेगा, ठीक है, इतनी बात, तो वापस भी कहीं से आ जाएगा, स्लिप कर जाएगा नीचे। मैक्सिमम एंगल विद वर्टिकल अप टू विच एंड क्लाइम्स अलोंग वॉश बेसिन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, एक मिनट, हाँ ध्यान सुन। किसी मोमेंट पे मान लो चींटा यहां पर है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे, ठीक है। चींटा यहां पे है तो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एमजी लगेगा, उसके दो कंपोनेंट, इधर की तरफ एमजी कॉस थीटा और इधर की तरफ एमजी साइन थीटा, हाँ या ना? जल्दी बताओ मुझे, कंपोनेंट क्लियर है? कंपोनेंट क्लियर है या नहीं? ठीक है, ऐसे लग जाएंगे। अब एम जी कॉस थीटा ऐसे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, वॉश बेसिन के सरफेस को दबाएगा एन से, तो चींटे पे ऊपर रिएक्शन लगेगा एन। अब चींटा जब चलता है तो उसके पैर होते हैं, चार पांच पैर होते हैं उसके, होते हैं नहीं? अरे पतले पतले पैर होते हैं। जब वो चलता है तो पैर ऐसे ऐसे मारेगा जमीन पे, ऐसे ऐसे मारेगा, ठीक है, इतनी बात। तो इसको ऊपर चलाने के लिए जो चलाने वाला फोर्स होगा वो कौन होगा, फ्रिक्शन। जो ऊपर की तरफ से चला रहा होगा कौन होगा, फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। अब बात हो गई क्लियर। अब सबसे पहले हम ऐसे ऐसे तो चींटा चल नहीं रहा, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एम जी कॉस थीटा। या ठीक है भाई, कंपोनेंट समझ में नहीं आ रहे पारस चावला। बेटा मैं क्या करूं कि तुझे कंपोनेंट समझ में आ जाए, बड़ा वाला है, देख एक मिनट भाई। ऐसे करके एम जी लगेगा, ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा पारस चावला? तो एम जी कॉस थीटा किस तरफ होगा ये बता दे यार,
मैंने सही बनाया गलत बनाया ये बता दे मुझे। कंपोनेंट ही सीखते रहिए जीवन भर, यूज मत करना कभी उन्हें। अब क्या कहानी बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, देखो एक मिनट, जैसे जैसे हम चींटा ऊपर चढ़ रहा है, चींटा ऊपर चढ़ रहा है ठीक है, इतनी बात, तो थीटा इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे बैकग्राउंड अगले क्वेश्चन में बदल लेंगे यार, इतनी परेशानी है उसे। जैसे जैसे हम ऊपर चल चल रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ठीक है, थीटा बढ़ रहा है तो एम जी साइन थीटा भी बढ़ रहा है। ये थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ता है, ठीक है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन घट रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज म्यू एम जी कॉस थीटा, थीटा बढ़ने पे कॉस थीटा घटता है। तो एक बात बताओ, मान लो इस एंगल पे थीटा मैक्सिमम है, इस एंगल पे mg साइन थीटा बढ़ते बढ़ते और लिमिटिंग फ्रिक्शन घटते घटते दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, बराबर। बेटा mg साइन थीटा क्योंकि क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जीरो से बढ़ना शुरू हुआ है और fl घटना शुरू हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एंगल पे थीटा मैक्सिमम पे mg साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू एफ एल। अब मेरी बात सुनो, जब इससे ऊपर जाएगा, इस वाले एंगल से ऊपर जाएगा, तो एम जी साइन थीटा एफ एल से बड़ा होगा कि नहीं होगा? जैसे इससे ऊपर चढ़ना चाहेगा, एम जी साइन थीटा एफ एल से बड़ा हो जाएगा, तो चिंटा क्या करेगा, वापस स्लिप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? ठीक है, तो मुझे यही बताना था कितने मैक्सिमम एंगल तक वो जा सकता है। तो एम जी साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू एफ एल, तो एम जी साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा मैक्स। एम जी कट गया, टैन थीटा मैक्स इज म्यू, यानी कि थीटा मैक्स इज टैन इनवर्स म्यू। इतने एंगल तक उसे क्या करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक बच्चा बोल रहा है बैकग्राउंड बदल लो, तुम बदल देता हूं बैकग्राउंड। अगला क्वेश्चन ये भी बुकलेट का ही है बेटा, बुकलेट का जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 39। अब क्या कहानी, क्वेश्चन क्या है, 39 जी एडवांस क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक ये ब्लॉक है, ठीक है, इतनी बात, ब्लॉक बी एंड मास ऑफ ब्लॉक बी इज 100 kg, ठीक है, इतनी बात, रफ सरफेस पे रखा है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 1/3 दे दिया आपको। इस ब्लॉक को एक रस्सी से बांधा गया ऐसे, और रस्सी पुली के ऊपर से गई और इधर एक बालक इस रस्सी को पकड़ के लटक गया, ठीक है, इतनी बात। इस आदमी का मास है एम ए इज इक्वल टू 25 kg, ठीक है, इतनी बात। ये जो एंगल दे रखा है रस्सी का विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज 37 डिग्री, ठीक है भाई। अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच मैन शुड क्लाइंब अप द रोप, मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद विच मैन कैन क्लाइंब अप द रोप सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट।
सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी लिखो। ठीक है, मतलब हमें क्या बताना, मैं एक बार लिख भी देता हूं। रेंज ऑफ एक्सेलरेशन फॉर विच, रेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए अपवर्ड फॉर विच ब्लॉक इज एट रेस्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देता हूं, ध्यान सुनो। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं दोबारा से सारी चीज कर रहा हूं, क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39 है, 40 भी बता देता हूं, भी चिंता ना करो। अब देखो भाई, ये अपन के पास ग्राउंड, ये ब्लॉक बी, मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लिया क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा, रस्सी पुली फिक्स्ड, ये बालक जो भी है, आदमी या बालक जो भी है। अब जरा देखो, सबसे पहले यहां पर लगेगा 250, लगेगा या नहीं लगेगा, जल्दी बताओ मुझे, लगेगा भाई? इसके हाथ पे यहां पर लगेगा टेंशन टी 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 एंड टी, नीचे यहां लगेगा 1000, इसने इसे दबाया कितने से, एन से, एक्शन, तो ऊपर एन रिएक्शन, हाँ या ना? अब इस टी के दो कंपोनेंट, इसको खत्म करो, टी के दो कंपोनेंट इधर की तरफ, टी कॉस 37 यानी कि 4t/5 और ऊपर की तरफ टी साइन 37 3t/5। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। एक बात बताओ, इस 4t/5 की वजह से ब्लॉक इधर चलना चाहता है कि नहीं, जल्दी बता दो यार, चलना चाहता है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे और इस पे आगे, यस और नो? ठीक है, अब रुक जाओ एक मिनट। अब सबसे पहले ये ब्लॉक ऊपर नीचे चलना नहीं है, ऊपर नीचे नहीं चलना, तो n प्लस 3t/5 इज इक्वल टू 1000, तो n इज इक्वल टू 1000 माइनस 3t/5। इसमें कोई समस्या है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इनटू एन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 1/3 × n, तो कितना हो जाएगा, 1000/3 माइनस t/5, म्यू की वैल्यू डाल दी। कोई दिक्कत है भाई, कोई समस्या तो बता दो यार, नहीं है। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, इसके ना चलने के लिए 4t/5 लिमिटिंग से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, 4t/5 लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होना चाहिए कि नहीं, तो क्या होना चाहिए, फॉर ब्लॉक, अभी बच्चे को तो हम देख ही नहीं रहे, ब्लॉक टू बी एट रेस्ट, फोर टी बाई फाइव इज लेस देन इक्वल टू एफ एल, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, मानते हो भाई? चलो, तो कितना हो गया, 4t/5 इज लेस देन इक्वल टू 1000/3 माइनस t/5, यानी कि t इज लेस देन इक्वल टू 1000/3। t की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, 1000/3 हो सकती है, हाँ या ना? सबसे बड़ी वैल्यू टी की कितनी है, 1000/3। तो जब यहां पर मैं टी की सबसे बड़ी वैल्यू डालूंगा तो इस ब्लॉक, इस आदमी का सबसे बड़ा एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, इसको चलाने वाला टी है कि नहीं है, तो चलो देख लेते हैं। तो आदमी के लिए टी माइनस 250 इज इक्वल टू 25a, यस और नो? यस और नो, मानते हो भाई, बोलो यार। ठीक है, अब जरा देखो, टी की वैल्यू डाल देते हैं, टी की वैल्यू बाद में डालते हैं,
चलो अगले पेज पे आ जाओ। टी माइनस 250 इज इक्वल टू 25 ए। टी की वैल्यू बाद में डालेंगे, टी अपॉन 25 माइनस 10 इज इक्वल टू ए। ये आया कि नहीं आया पहले बताओ मुझे, और यही आया कि नहीं तो बोलो यार। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो टी है हमारा वो हमारा सबसे बड़ा कितना है, 1000/3। तो अगर मैं टी की सबसे बड़ी वैल्यू डालूं तो ए क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा पहले बता दो मुझे। अरे ए मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा वही निकालना है, तो डाल देते हैं। अगर टी की वैल्यू 1000/3 डालता हूं तो क्या हो गया, 40/3। ये वाली वैल्यू अगर हमने यहां डाली तो 40/3 माइनस 10 इज इक्वल टू ए मैक्सिमम। तो ए मैक्सिमम इज 10/3 अपवर्ड। आ गया आंसर कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे। अरे आ गया। अब देखो, किसी बच्चे ने 40 नंबर सवाल पूछा मुझसे जेई एडवांस का, 40 नंबर मैंने अभी कराया, वही सवाल था जो मैंने अभी चींटे वाला कराया था, इंसेक्ट वाला। हाँ या ना, चेक कर लो 40 नंबर मैंने वही सवाल कराया कि नहीं कराया, अभी जब चींटी वाला कराया था, एंट वाला। सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर क्या पूछा, वर्टिकल हाइट पूछी है। पढ़ते तो है नहीं क्वेश्चन को, अपने आप ही कुछ भी पूछते रहते हैं बस। चलो अब और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 46 जेई एडवांस। क्वेश्चन नंबर 46 जेई एडवांस, ठीक है, देखो क्या कहानी है। हमारे पास ये इंक्लाइन है फिक्स्ड, ठीक है, यहां पर एक ब्लॉक है, x इक्वल टू जीरो अभी चला नहीं है, इसके अलोंग इसको हमने x एक्सिस मान लिया, जो भी लेंथ ये चलेगा x मानी जाएगी इंक्लाइन के अलोंग। उसने एक चीज बोली, ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू नॉट इनटू एक्स, मतलब जैसे जैसे आप नीचे चले ब्लॉक जैसे जैसे नीचे जाएगा फ्रिक्शन बढ़ेगा, ये बोल रहा है। ये सुनो, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा फ्रिक्शन बढ़ेगा क्योंकि एक्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन कोफिशियंट बढ़ेगा। हाँ या ना। अब उसने क्या बोला, हमने ब्लॉक को यहां से छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और फाइनली ये कहां पर रुकेगा, कितना डिस्टेंस चलने के बाद, दिस फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो व्हाट, जीरो, ये कह रहा हूं। ये सुनो, तो ये डिस्टेंस बताना मुझे, ये वाला, ठीक है भाई, क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब सेम क्वेश्चन हमें बाद में वर्क पार एनर्जी में भी मिलेगा, वहां पर हम थोड़ा सा आसानी से कर लेंगे इसे, क्योंकि हमें तब वर्क एनर्जी थ्योरम भी आता होगा। यहां पर हम इस क्वेश्चन को न्यूटन्स लॉ से करेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो एक मिनट, अब आप एक मिनट ध्यान से देखो, आप सबसे पहले देखो इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा भाई। और पीछे की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन ब्लॉक पे, जो काम वाली फोर्सेस है वही बना रहा हूं। फ्रिक्शन की वैल्यू किसी भी समय पे क्या होगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी कि एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट एम जी एक्स कॉस थीटा। यही होगा कि नहीं होगा पहले बता दो मुझे, अरे यही होगा कि नहीं। अब एक बात बताओ, जब हमने इनिशियली से छोड़ा तो एक्स छोटा था या नहीं, एक्स जीरो था इनिशियली तो, और एक्स धीरे धीरे बढ़ेगा ना, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एफ इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, मानते हो या नहीं मानते हो, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस एज एक्स इंक्रीजेस, मानते हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब शुरू में,
शुरू में एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से बड़ा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो छोटा था शुरू में। अरे मानते हो या नहीं, एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से बड़ा है कि नहीं शुरू में, बोलो यार। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लॉक शुरू में एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है ऊपर वाले से, है या नहीं? कब तक एक्सेलरेटेड है पहले वो देख लेते हैं। मान लो इस जगह पर जब ब्लॉक पहुंचा, इस जगह पे, तो यहां पर आने पे mg sin थीटा मान लो कितना चल गया, हम x1 चल गए, कितना चल गया बेटा x1, mg sin थीटा और फ्रिक्शन बराबर हो गए। यहां पर आने पे दोनों बराबर हो गए, हो सकता है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि फ्रिक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, mg sin थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक मजेदार बात देखो, रुक जाओ, इतनी बात हो गई, लेकिन इस जगह पर ब्लॉक के पास वेलोसिटी होगी और वो मैक्सिमम होगी, बता रहा हूं क्यों। देखो, क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेटेड है या नहीं। अरे भाई, अगर एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बोलो यार। लेकिन इसके बाद जैसे ही जाओगे, एक्स बड़ा हो चुका है और एक्स बड़ा होने की वजह से फ्रिक्शन भी बड़ा हो चुका है, तो इसके बाद जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक पे वो किधर होगा, पीछे की तरफ होगा, हाँ या ना, किधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ, मानते हो या नहीं? मुस्कान को छोड़ के बाकी लोग जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि इस मोमेंट पे देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, mg sin थीटा इज फिक्स्ड, mg sin थीटा की वैल्यू अगर हम 10 मान लें तो 10 है, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां पे 10 हुई, जिस मोमेंट पे 10 हुई उस वक्त एक्सेलरेशन 0 हो गया कि नहीं हो गया, इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गया, दोनों फोर्सेस बराबर हैं, लेकिन उससे पहले वेलोसिटी गेन कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मतलब वेलोसिटी इस दौरान यहां से यहां तक क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। अब यहां पर पार्टिकल के पास, ब्लॉक के पास वेलोसिटी तो आ गई, वेलोसिटी आ गई, mg sin थीटा अभी भी नीचे है, फ्रिक्शन अभी भी ऊपर है, लेकिन अब कौन बड़ा है, अब कौन बड़ा है इस पॉइंट के बाद, फ्रिक्शन बड़ा है, तो फ्रिक्शन बढ़ा है तो एक्सेलरेशन पीछे हो गया, एक्सेलरेशन पीछे हो गया तो वेलोसिटी अब क्या करेगी, घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, घटते 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 कभी ना कभी जीरो हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हमारा चलने वाला कितना हुआ, एक्स टू। ये कितना सुंदर सा सवाल है, पूरा एनालिसिस चाहिए मुझे, मतलब मैं सिर्फ हवा में नहीं करना चाहता किसी क्वेश्चन को, हर चीज को प्रॉपरली आपने एनालाइज करना है, क्लियर है? ठीक, अब सबसे पहले मैं एक्स वन जानना चाहूंगा, क्या जानना चाहूंगा, एक्स वन। ठीक है, तो एक्स वन के लिए आपका mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन है, ठीक है, तो वो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और जब तक वो एक्सेलरेट किया, ठीक है। चलो, तो x1 mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट mg x1 cos थीटा, तो जरा देखो mg से mg कट गया, x1 इज 1 अपॉन म्यू नॉट tan थीटा, मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं, क्योंकि अगले पार्ट में शायद ये सब भी निकालना है। ठीक है, योगेश शर्मा कह रहा है x1 क्यों आया, भाई मुझे, मैंने निकाल लिया ऐसी मेरी मर्जी, अगले पार्ट में, अगले क्वेश्चन में मुझे करना है 47 में, ठीक है, ठीक है भाई योगेश। ठीक, अब x1 आ गया, अब एक चीज देखो, अब मैं ये जानना चाहूंगा मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि अगला पार्ट यही है, सवाल 47 नंबर यही है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो। अब जरा देखो, यहां से लेके यहां तक, सिर्फ यहां से लेकर के इतने को देखना जितना मैं टिक कर रहा हूं, इस हिस्से को, इस हिस्से में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना है, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, नीचे लगने वाला फोर्स, माइनस म्यू नॉट एम जी एक्स कॉस थीटा अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन है या नहीं है पहले बताओ मुझे, नीचे की तरफ, यस और नो? अरे नेट फोर्स अपॉन मास, एम कट गया आपका, कट गया, तो जरा देखो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जी
साइन थीटा माइनस म्यू नॉट एक्स कॉस थीटा, ये आया कि नहीं आया जल्दी बताओ मुझे, ये आया कि नहीं आया। हितांशु भी रुक जाए, एक्स टू की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, पहले कुछ और भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब दिस ए कैन बी रिटन एज डीवी अपॉन डीटी, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं या नहीं। मैंने दोनों साइड डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस डीएक्स कैन, डीएक्स बाई डी टी कैन बी रिटन एज वी, तो ये हो गया वी डीवी इज इक्वल टू जी साइन थीटा डीएक्स माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा एक्स डीएक्स, ये आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना। इंटीग्रेशन चला दें, एक्स जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, एक्स वन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यस और नो, मुझे 47th नंबर में मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए थी, हाँ या ना, ठीक है। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जरा देखो, तो जरा देखो क्या आ गया, वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू जी एक्स वन साइन थीटा माइनस म्यू नॉट कॉस थीटा एक्स वन स्क्वायर अपॉन टू, मानते हो या नहीं, मानते हो या नहीं, जल्दी बताओ। अब x1 की वैल्यू डाल दें, x1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, ये निकाली हुई निकाली है कि नहीं निकाली है, डाल दो इस वैल्यू को, तो आपको 47th मिल जाएगा, डाल देते हैं। तो v max, चलो अगले पेज पे कर, चलो यहीं कर लेते हैं, v max का स्क्वायर अपॉन टू, चलो एक काम करो बेटा मैं ऊपर मिटा दूं, यहां पर ऊपर वाले दो लाइनें, ऊपर वाली दो लाइनें मिटा दूं, ठीक है। v max का स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू g अपॉन म्यू नॉट टैन थीटा साइन थीटा माइनस म्यू नॉट बाय टू कॉस थीटा, ठीक है इतनी बात, वन अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ये आ गया एक म्यू नॉट से, सॉरी जी यहां भी है बेटा, जी छूट गया, ठीक है, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कट गया। अब आप क्या करो, v max का स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, g by म्यू नॉट कॉमन ले लो, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, ये बचा कि नहीं जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई, अरे बच रहा है या नहीं जल्दी बोलो, अरे बच्चों गायब हो गए क्या, ठीक है। अब जरा देखो कितना आ गया, v max square upon 2 is equal to g 2g tan theta sin theta, ये टू से टू काट दो, अपॉन म्यू नॉट, जरा देखना ऐसे ही आ रहा है कुछ, और ये स्क्वायर भी हटा दो यहां से, इसका अंडर रूट कर दो, आ गया रिजल्ट कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ भाई, आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, आ गया कि नहीं। अब
एक और काम कर सकते थे, पिछले पेज पे ही दोबारा जाओ। अब आप एक चीज देखो, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है, इतनी बात ठीक है। लास्ट वाले में टू नहीं आया बेटा, बिल्कुल सही आया हुआ है। यहां देख कहां चला गया वो पेज, यहां देख एलसीएम लूंगा तो ये टू इस टू से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा भाई। अब सुनो, अब इसके बाद जब हम नीचे जाएंगे उसको देखो एक मिनट, इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो, ठीक है इतनी बात। तो अब जरा देखो, अब हम क्या लिखेंगे, अब एक्सेलरेशन होगा, लिख रहा हूं म्यू नॉट जी एक्स कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, क्योंकि अब फ्रिक्शन बड़ा हो गया किससे, एम जी साइन थीटा से, यस और नो, अरे जल्दी बोलो भाई, यही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम करोगे, ठीक है। अब जरा देखो, अब क्या कहानी है, अब जरा ध्यान दो, इसके बाद अब इसी को क्या लिखोगे आप, डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी एक्स कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। लेकिन कैसा लिखोगे इसके सामने, माइनस साइन लगाओगे। क्यों लगाओगे माइनस साइन, क्योंकि वी अब क्या कर रहा है, घट रहा है, वी क्या कर रहा है, घट रहा है, हाँ या ना। गौरांगी कैलकुलेशन कर लेना एक बार यार, सिर्फ कैलकुलेशन पे ही बैठे रहते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो पहले, ठीक है। तो इसलिए माइनस डीवी बाई डी टी लगेगा। अब आप दोनों साइड डीएक्स कर दो, ये डीएक्स बाई डी टी वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, ये डीएक्स बाई डी टी वी हो जाएगा कि नहीं, बस देखो जरा। अब क्या हो गया, वी माइनस वी डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी कॉस थीटा एक्स डी एक्स माइनस जी साइन थीटा डी एक्स इंटीग्रेशन ऑन ऑल साइड्स। जब एक्स जीरो है तो वेलोसिटी है वी मैक्स, वो आपको पता है, या नहीं पता है, जल्दी बताओ मुझे, है या नहीं। और जब एक्स टू हुआ, क्योंकि अब हमें एक्स टू निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, आपको एक्स टू मिल जाएगा, कि नहीं। अब एक बात और बताऊं, एक्स टू जब भी आएगा तो एक्स टू विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स वन, यानी कि एक्स टू की वैल्यू आएगी टू अपॉन म्यू नॉट टैन थीटा, ये आएगी भाई, एक्स टू वैल्यू क्या आएगी, टू अपॉन म्यू नॉट टैन थीटा, क्लियर है, आप सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और अभी जब वर्क पार एनर्जी में हम जाएंगे तो ये क्वेश्चन सिंगल लाइन में भी हो जाएगा, लेकिन वो कौन से चैप्टर में, वर्क पार एनर्जी में, यहां नहीं, ठीक है इतनी बात, तब ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ध्यान सुनो, तुम लोग ही बता दो कौन सा क्वेश्चन बताऊं, जल्दी बताओ कोई, हमारे पास ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट आपने सुनी होगी, बेल्ट चलती रहती है ऐसे से, घूमती रहती है, दो
पुलिस के बीच में। ठीक है, ये ए है एंड और ये बी है। ठीक है, उसने क्या बोला आपसे, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया जाए ए से बी की तरफ ताकि ये बी सच दैट इट रीचेस अदर एंड बी ऑन द कन्वेयर बेल्ट मूविंग विथ वेलोसिटी वी। अच्छा, कन्वेयर बेल्ट आपकी वी वेलोसिटी से चल रही है किधर, उल्टा इधर की तरफ, और वी कांस्टेंट है, ये वी कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है भाई, कन्वेयर बेल्ट हमेशा वी से चल रहा और कैसा है, कांस्टेंट है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बेटा तो बता दो। नहीं, अब आपने मान लो इस ब्लॉक को इधर की तरफ वी नॉट से प्रोजेक्ट कर दिया, कितने से प्रोजेक्ट कर दिया, वी नॉट से। ठीक है, इतनी बात, कितने से प्रोजेक्ट कर दिया भाई, वी नॉट से। अब आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कन्वेयर बेल्ट एंड व्हाट, क्या कहते हैं, ब्लॉक इज म्यू। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि अदर एंड पे पहुंच जाए। ठीक है, इतनी बात। अब कैसे करेंगे बताओ भाई, बोलो जल्दी बोलो। आर्ची देख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ध्यान दो, इस जरा क्वेश्चन पढ़ो, विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड ब्लॉक बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट रीचेज अदर एंड बी। अब आप एक चीज देखो, ये जो वेलोसिटी है ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आगे की तरफ होगी तभी आगे जा पाएगा कि नहीं, अरे यस और नो। अगर वेलोसिटी कुछ नहीं हुई, देखो एक मिनट, आप ऐसे देखो एक मिनट, अगर मैंने कोई वेलोसिटी नहीं दी, कन्वेयर बेल्ट को ऐसे रख दिया, सॉरी कन्वेयर बेल्ट पे ब्लॉक को रख दिया ऐसे, तो ये सरफेस किधर जा रहा है, पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन इधर लग जाएगा और इस पे इधर लग जाएगा और ये गिर जाएगा, यस और नो, यस और नो। अब आप खुद देखो, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट हमेशा वी से इधर जा रहा है कॉन्स्टेंट, तो कन्वेयर बेल्ट पे तो फ्रिक्शन हमेशा ऐसा ही लगेगा क्योंकि कन्वेयर बेल्ट इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इस पे अगर इधर लगेगा तो ब्लॉक पे हमेशा ऐसा लगेगा, मानते हो या नहीं, अरे मानते हो कि नहीं। अब हमने इसको वेलोसिटी दे दी वी नॉट, अब जो इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा दैट वुड बी म्यू इंटू एम जी, तो जो डी एक्सेलरेशन हो गया पीछे की तरफ, दैट इज ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम विच वुड बी म्यू जी। अब एक बात बताओ, इसको यहां पहुंचना है, जस्ट यहां पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो, जस्ट पहुंचाना है, तो हम कौन, ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, म्यू भी फिक्स है, जी भी फिक्स है, तो हम क्या लगा देंगे, यू ए एम लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस टू म्यू जी इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हमें एल दे रखी शायद, तो वी नॉट कितना आ गया, अंडर रूट 2 म्यू जी एल, वी नॉट कितना आ गया, अंडर रूट 2 म्यू जी एल। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ भाई फटाफट, जल्दी बोलो। 53 किसी ने बोला एडवांस का, देख लेते हैं, हाँ 53, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जिसने 53 पूछा है अच्छी बात की है। 53 कितने लोगों ने ट्राई किया है, योगेश शर्मा कह रहा है एल क्यों लिया, अरे भाई क्वेश्चन देख ले, तूने क्वेश्चन देखा नहीं और मुझसे पूछ रहा है एल क्यों लिया, गधा आदमी, बगैर क्वेश्चन पढ़े हुए कुछ भी पूछा मत करो भाई, जब मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं तो आप जरूर बताया करो क्या हो रहा है। 53 बहुत सुंदर सवाल है भाई, ठीक है, किसी का हो गया है, हितांशु सैनी ने किया, चलो देखते हैं एक बार, 53 चेक करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे करने दो। ठीक, हमारे पास क्या है 53 क्वेश्चन में, एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है विद एक्सेलरेशन, चलो देखो एक मिनट,
ये हमारे पास ट्रक है, ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक है और ट्रक टाइम जीरो पे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज जीरो और एक्सेलरेशन इज हाउ मच, एक्सेलरेशन इज फाइव। एक सेकंड के लिए ऐसा चलता है, उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। इस ब्लॉक और ट्रक के सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, ठीक है। अब बहुत सुंदर सवाल है, ध्यान सुनो। जब ये ट्रक ऐसे एक्सेलरेट करता है, ध्यान सुनना, ठीक है, इतनी बात। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, ये बनाना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। एक सेकंड के लिए ट्रक ऐसे चलता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। अब जरा देखो, एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना। अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रक का ये सरफेस किधर जा रहा है, ट्रक का नीचे वाला सरफेस किधर जा रहा है, जल्दी बताओ, लेफ्ट जा रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट लगेगा, बिल्कुल सही बात है, उस पर राइट लगेगा, तो इस पर फ्रिक्शन राइट लगता है, तो इस पर किधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ, यस और नो, ठीक है, ये कहानी आ गई। अब आप एक चीज देखो, एक और चीज बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा ब्लॉक पे, लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी बताओ, एक सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके देखें, ठीक है, तो इस पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा पीछे की तरफ, दैट इज एम इंटू फाइव, एक्सेलरेशन इज फाइव, यस और नो, ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ मुझे, ठीक। अब जरा देखना, एक मिनट, हाँ ध्यान से, अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन देखें, दैट वुड बी 0.2 एम इंटू जी, होगा या नहीं होगा पहले बताओ, यस और नो, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 2m, 2m या नहीं, हाँ या ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन 2m आ गया। अब एक बात बताओ, कौन बड़ा है, सूडो फोर्स बड़ा है या नहीं है, जल्दी बताओ, सूडो फोर्स बड़ा है या नहीं, अरे बड़ा है या नहीं, सूडो फोर्स है बड़ा, ठीक है, सूडो फोर्स बड़ा है, तो इस ब्लॉक का इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं, पीछे की तरफ कितना होगा, चलाने वाला कौन 5m, रोकने वाला कौन 2m, इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज 3 उधर की तरफ, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो यार, अरे जल्दी बोलो बालकों, ठीक है। अब जरा देखो, मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो यार। अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इधर की तरफ 3 है, तो कितना आ गया 3i कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इधर की तरफ है कितना 5, तो -5i कैप इज इक्वल टू ए बी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक
पीछे की तरफ जा रहा है टू आई कैप से, यस और नो? ट्रक की डायरेक्शन में ही जा रहा है टू आई कैप से, पीछे की तरफ ट्रक की डायरेक्शन में टू से, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, अब ये सब नाटक मिटा दूं थोड़ी देर के लिए, मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब ब्लॉक की वेलोसिटी पीछे की तरफ ही होगी, कितनी? 2 इंटू टी, इतनी होगी कि नहीं होगी? 2 इंटू टी, 2t, यस और नो? 2t कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए, क्योंकि ट्रक अभी 1 सेकंड के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 1 सेकंड, ठीक है भाई, इसको साइड में रख लो आप, इतना काम खत्म हो गया। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, हर चीज देखनी है। अब इसके बाद ये तो हो गया, 1 सेकंड के बाद ट्रक की वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, कितनी? 5 into 1, कितना? 5, कांस्टेंट हो गई कि नहीं हो, क्योंकि अब ट्रक एक्सेलरेट नहीं कर रहा, उसने लिखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, यस और नो? अरे यस और नो जल्दी बोलो। अब और 1 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी 2 है कि नहीं पीछे की तरफ, किधर की तरफ 2 है या नहीं, पहले बताओ मुझे। अरे निकम्मो, है या नहीं? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जरा देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, ट्रक का ये वाला सरफेस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, लेफ्ट जा रहा है, मतलब इधर जा रहा है, इधर। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इस पे? ऐसे, ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पे ऐसे लगेगा, तो इस पे ऐसे लगेगा, यस और नो? अब जो फ्रिक्शन लगेगा, अब इसको तो मिटाई दें, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब तो अलग कहानी। जो फ्रिक्शन लगेगा दैट वुड बी 0.2 m × g, यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू 2 m, यानी कि एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा अब इधर की तरफ दैट वुड बी 2, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ भाई, एक्सेलरेशन 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो यार बच्चों, जल्दी बोलो 2 होगा या नहीं। अब जरा देखो, किसी भी समय पे इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन 2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 2, टाइम 1 सेकंड पे है, टाइम 1 सेकंड से आगे की बात करेंगे हम, ठीक है, इतनी बात। तो अब किसी भी समय पे वेलोसिटी होगा 2 + 2t − 1, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। अरे भाई बोलो यार, वेलोसिटी इज इक्वल टू u + at होता है, ठीक है। अब एक चीज देखो, किसी ना किसी समय पे जब ब्लॉक की वेलोसिटी, इफ vb इज इक्वल टू 5, अगर vb 5 हो जाए, ध्यान सुनना, vb अगर 5 हो जाए, 2t नहीं लिखेंगे पारस चावला, ठीक है, टाइम 1 सेकंड के बाद वाला समय देखना है, तो दैट वुड बी t − 1। जब vb 5 हो जाएगा तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे, तब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा कि नहीं? उसके बाद ब्लॉक पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। 5 आने के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, यस और नो? तो ये रिजल्ट हमारा टाइम 1 से बड़े के लिए है, लेकिन कब तक के लिए? जब vb 5 हो जाए, जरा इसको 5 डाल दो बेटा, यहां पर 5 डालोगे तो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू 2t − 1, यानी कि इधर भेजो, t की वैल्यू कितनी? 2.5। तो ये कहानी हमारी 2.5 तक है, 2.5 तक ऐसा रहेगा। अब
अब जरा देखो कितना सुंदर सा खेल हो गया, आप खुद सोचो कितनी बढ़िया कहानी बन रही है, कितना एनालिसिस था। अब ग्राफ बनाओ, इसको कहते हैं एडवांस का क्वेश्चन। मतलब अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर सेट करता, 100% मैं इसी क्वेश्चन को सेट करता पूरी बुकलेट में से, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता, ठीक है। मतलब कोई भी अगर एडवांस का पेपर सेट करेगा तो वो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखेगा। अब जरा देखो, 1 सेकंड तक के लिए v इज इक्वल टू 2t, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, स्लोप 2, वन सेकेंड के बाद भी स्ट्रेट लाइन, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 1, हाँ या ना, इसके बाद भी स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। अरे देखो यार, अरे यस और नो यार, बहुत ही बेकार से बच्चे बोलते ही नहीं हो कुछ। दोनों की डिग्री 1 है तो स्ट्रेट लाइन, और जरा देखना इसका स्लोप भी 2 है या नहीं है, इसका भी स्लोप 2 है या नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट होगा। और जरा देखो टाइम 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, 2, यहां भी टाइम को 1 डाल दो, देखो 2 ही है या नहीं है, सेम जगह से स्टार्ट हो रहा है। कब तक के लिए, 2.5 सेकेंड के लिए, अप टू व्हाट टाइम, 2.5, और 2.5 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 5, 1 पे कितनी थी, 2, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा 5 से, हाँ या ना, हाँ या ना। मजा आया सवाल में, मजा आया इस क्वेश्चन में या नहीं। तो इसको एक्चुअल क्वेश्चन कहते हैं भाई, ये होता है सही सवाल जिसमें आपका पूरा दिमाग खुल जाए। गौरांगी कह रही मेडिकल में आ सकता, बेटा मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होता, पहले बता दूं, फिजिक्स फिजिक्स होती है, मैं बार बार कहता हूं, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं होता, जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है वो हर जगह अच्छा करेगा, वो जीवन में हर चीज अच्छी करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका दिमाग तब चल जाता है, अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो फिर जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। हो गया, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो, जे एडवांस सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 24, किसी ने ये बोला है, सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं भाई। यार ये तो स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का नहीं है बे, फालतू बकवास कर रहा, कोई और बोलो, फ्रिक्शन वाले बोलो अभी, और कोई क्वेश्चन बोलो बेटा, नहीं बोलते हो तो मैं कराता हूं। 49 जे एडवांस 49 इसी सिंगला 49 बेटा बता रहा हूं। फोर्टी नाइन बेटा मैं करा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम ले चुके हैं। देखो हमारे पास एक फिक्स्ड इंक्लाइन है, ये 45, ये 45 और ये फिक्स्ड है, ठीक है। इधर सरफेस स्मूथ है, एक ब्लॉक है, एम मास का, ऐसे करके रस्सी गई पुली के अलोंग, इधर ये दूसरा ब्लॉक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बना लिया क्योंकि यहां फ्रिक्शन लगने वाला है, 3 एम मास का रफ, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है चेक करो क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, फिक्स्ड इंक्लाइन, पार्टिकल पी ऑफ मास एम इज हेल्ड ऑन स्मूथ प्लेन बाय लाइट स्ट्रिंग विच पासेज ओवर द स्मूथ पुली, 3 एम रेस्ट ऑन द रफ प्लेन, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा हेल्ड है तो सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। चलो पहले एक बार एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इधर की तरफ 3 mg बाय रूट 2, ठीक है, इधर mg बाय रूट 2, बेटा कौन सा बड़ा है जल्दी बताना मुझे, कौन बड़ा है, 3 mg बाय रूट 2 या mg बाय रूट 2, कौन बड़ा है बेटा, बच्चों जल्दी बताओ। इधर बड़ा है, यानी कि यहां पर फ्रिक्शन लग रहा था,
या फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो दिया ही नहीं इसने। अच्छा ठीक है, चलो फ्रिक्शन मैंने मान लिया यहां पर एफ, यहां पे टी, यहां पे टी, और हमने इसे रोका हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसे छोड़ते हैं, ठीक है इतनी बात छोड़ते हैं, तो क्या देखा गया कि ये ब्लॉक इधर आ रहा है, इधर आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से, जी बाय फाइव रूट टू। ये इधर आ रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये कहानी है। पहले पार्ट में पूछा गया टेंशन बता दो, दूसरे पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो। ठीक है, ये दो चीजें चलो कर लेते हैं। अब आप एक चीज देखो बेटा, अगर ये जी बाय फाइव रूट टू से आ रहा तो टी माइनस एम जी बाय रूट टू, इक्वल टू एम जी अपॉन फाइव रूट टू हो गया। टेंशन तो यहीं से आ गया, आगे कि नहीं आ गया, सिक्स एम जी बाय फाइव रूट टू, यस और नो, सिक्स एम जी बाय फाइव रूट टू। अब फ्रिक्शन कोफिशियंट बताना है तो टी आ गया हमारे पास अब ये जा रहा है इधर की तरफ, तो जरा देखो चलाने वाला कौन, थ्री एम जी बाय रूट टू माइनस टेंशन सिक्स एम जी बाय रूट टू माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू थ्री एम इंटू जी बाय फाइव रूट टू। ये आ गया कि नहीं आ गया, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, फ्रिक्शन निकाल लेंगे, निकल आएगा फ्रिक्शन, अरे निकल आएगा फ्रिक्शन आ जाएगा, तो जो भी फ्रिक्शन आएगा उसको आप क्या लिखोगे, म्यू थ्री एम जी बाय रूट टू म्यू इंटू एन, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, अरे यस और नो, तो यहां से म्यू आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, अरे हो गया बेटा, हो गया या नहीं? ठीक है, अब एक काम करना आपने, अच्छा फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, तो जरा देखो पुली ये रहा, पुली पे एक टेंशन ऐसे लग रहा है, एक टेंशन ऐसे लग रहा है, 90 डिग्री पे है दोनों, तो पुली को नीचे की तरफ दबा रहे हैं कितने फोर्स से, इन दोनों का रिजल्टेंट दैट वुड बी टी रूट टू। अब आपको टी पता है तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यस और नो,